नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर और यहाँ पर जितने भी कोविड कर्मचारी थे जिनके ऊपर फूल बरसाए गए थे, आज वो इस तपती हुई गर्मी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, अभी उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ हैं संतोष कुमार जी। तो सर, क्या कुछ समस्याएं आ गई जो आपको यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ा? समस्या ये है कि आज यहाँ पे जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, ये दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं। उसमें कुछ कर्मचारी जो है दिल्ली सरकार के LNJP हॉस्पिटल के भी हैं। ये लोग, इनमें कई लोग हैं जो 10-15 साल से नौकरी कर रहे हैं और हाईली स्किल्ड वर्कर भी है, और इसमें कुछ सफाई कर्मचारी भी हैं, जिनको कोविड के दौरान जो है ये कहा गया था कि भाई अगर आप 100 दिन काम कर लेंगे तो आप लोगों को आगे जो है पक्का किया जाएगा। उस समय जिस समय रिश्तेदार से नहीं मिल रहे थे, पड़ोसी से मिलने से डरता था, उस समय इन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर जो है ये सेवा की, काम किया। और आज जब कोरोना लगभग ना के बराबर है, हालांकि ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना है, उसके बावजूद सरकार को इनकी ज़रूरत नहीं है। जो फूल बरसाए थे कि भाई ये कोविड वॉरियर है, ये योद्धा है, ये योद्धा को आज धक्के मार के निकाल रहे हैं नौकरी से। इसके खिलाफ जो है हम आज यहाँ पे आए हैं। लगातार 10 दिन से गेट पे लोग, साथी लोग बैठे हुए हैं। आज एक सांकेतिक यहाँ पे लेबर मिनिस्ट्री में प्रदर्शन करना था तो उन्होंने वहाँ पे नहीं दिया, पुलिस ने परमिशन यहाँ दिया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे दिल्ली में, और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके कर्मचारियों को साथ लेके, और दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट के हैं उनको साथ लेके आंदोलन को तेज करेंगे। यह इतना ही करना है। आप जानते हैं कि हालात ये है कि कानून इनका बना, नोटिफिकेशन किया था कि वो नोटिस ये था कि भाई कुछ नोटिफिकेशन वगैरह इन्हें दिया गया, हाँ दिया गया था उसी समय कि भाई आप लोगों को निकाला नहीं जाएगा, आप लोग सेवा करिए, जान बचाने के लिए जो करना है आप करिए। और वो नोटिस भी आज कोई वैल्यू नहीं रख रही। ऑलरेडी इनका लेबर कोर्ट के अंदर इनके डिमांड जो पड़ा हुआ है वो पेंडिंग है, केस चल रहा है, कॉन्सुलेशन प्रोसीडिंग चल रही है। और कानून ये कहता है कि कॉन्सुलेशन प्रोसीडिंग जब तक चलती है तब तक उसको निकाल नहीं सकते बिना लेबर डिपार्टमेंट के इजाज़त लिए। इन्होंने बिना उसको सारा परवाह नहीं किया और नोटिस लगा दी कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है। टर्मिनेट क्या बता के मतलब किया जा रहा है, आप लोगों की आवश्यकता नहीं है ये बताकर किया जा रहा है। और जबकि अभी तो कोविड जो है फिर से जो है हो गया है, दिल्ली में तो बढ़ती जा रही है, हर जगह बढ़ रही है और पूरे दुनिया में बढ़ रही है। और सवाल कोविड का नहीं है, आप स्वास्थ्य पोल खुल गया था कि स्वास्थ्य सेवा हमारी कैसी है कोविड के टाइम पे, तो आप स्वास्थ्य किस तरीके की पोल खुल गई थी सर? भाई जब इतने लोग मारे जा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं है, कर्मचारी नहीं है हॉस्पिटल में, सही तरीके से इक्विपमेंट नहीं है, तो उसकी पोल खुल गई थी। तो इसलिए ये पूरे WHO का भी ये निर्देश था कि जहाँ जहाँ हॉस्पिटल जो सरकार है वो अपने हॉस्पिटल को दुरुस्त करें कि क्यों कोई भी महामारी कभी भी आए तो कम से कम हम उसको कर सकें। लेकिन उसको करे बगैर बल्कि कर्मचारियों को और निकाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्किल्ड वर्कर इसमें काफ़ी है, जो मोदी ने नारा लगाया था आते ही कि स्किल्ड इंडिया, और वो स्किल्ड जो मान लीजिए ऑक्सीजन लेकर वेंटिलेटर से लेकर हर जगह हर ऑपरेटर है यहाँ पे मौजूद, वो लोगों को स्किल्ड कहाँ जाएंगे, ये स्किल्ड वर्कर मान लीजिए नौकरी नहीं है, एक तो बेरोजगारी पहले से है और जो काम कर रहे हैं उसको निकाल दे रहे हैं, ये लोग जो है कहीं दूसरा काम ना कर दे, किसी के साथ जो है और ना हो, तो ये हालात ये सरकार बना रही है। क्योंकि उसके बाद हथियार है, वो जानती है कि अगर वर्कर ज़्यादा चिल्लाएंगे तो हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, हिंदू मुस्लिम से ये अलग हो जाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इसके इन चालाकी को इस बार रोकेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो स्किल्ड वर्कर जो यहाँ पे हैं इतना, तो इनको जबकि स्किल्ड इंडिया बताया मोदी जी ने, तो अभी इनको क्या कह के इस तरीके से बोल दिया गया, जबकि स्किल्ड भी है और सब कुछ है, मतलब निकालने की इनकी क्या ऐसी समस्या आ गई कि पहले फूल बरसाए गए अब जो है उनको? सरकारी डिपार्टमेंट में सरकार हर जगह पे सोच रही है कि पैसे को कम करें, 10 आदमियों का काम एक आदमी से करवाएं, जो पहले कर रहे थे कोविड के टाइम में थोड़ा वो किया था, अब दोबारा से वही कर रहे हैं कि भाई जो है आदमी हमें नहीं रखना, इतना पैसा नहीं देना, जबकि ये ज़रूरत है आम आदमियों के लिए कि स्वास्थ्य सेवा सही रहे।
और यही उनका एक ही तरीका है कि हमें जरूरत नहीं है। अब 10 आदमियों का काम एक जना संभाल रहा था, एक संभाले, यही इनकी सोच है। अच्छा, ताकि स्वास्थ्य फिर बिगड़े स्वास्थ्य सेवा। और मतलब जो है एक तरीके से, मतलब ये ऐसा चीज की जा रही है ताकि उन लोगों को निकाल दिया जाए और फिर ऐसे केसेस और बढ़ के आए। और उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है प्राइवेट हॉस्पिटल को बढ़ावा देना। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है लोग बाग जाए, चाहे आप जानते हैं कि कोई किसी को ये प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाए, भले ही पैसा ना हो, अगर अपने अपने अपनों को बचाना है तो घर भी बेच देता है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल को फायदा होता है। तो सरकार वही चाह रही है कि ठेकेदार, प्राइवेट हॉस्पिटल और जितने प्राइवेट ये इंस्टीट्यूशन है उनको, एजुकेशन में भी यही हो रहा है, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट ये सब खुल रहे हैं, नए जो है कॉलेज कोई खुल नहीं रहा। जो सम्मान अवार्ड है, यानी कि वो सब दिखावा था, सब दिखावा था। हम आज लेके आए हैं फूल हम वापस करेंगे, यहीं पे वापस करेंगे, यहीं उड़ाएंगे, उड़ा के एक प्रतीकात्मक जो है तरीके से हम इसको कहेंगे हम वापस दे रहे हैं आपके फूल। ये रहेगा मतलब, हाँ तो मतलब ये जो अब लोग हैं आगे, मतलब यहाँ से सुनवाई नहीं हुई, अब यहाँ पे बैठे हैं, उसके बाद क्या कुछ कदम रहेंगे? यही कदम है कि स्वास्थ्य सेवा जितने सरकारी डिपार्टमेंट है, प्राइवेट डिपार्टमेंट है, वहाँ भी शोषण हो रहा है। जहाँ जहाँ कर्मचारी और ठेका कर्मचारियों के शोषण हो रहा है, उन सबों को लेकर दिल्ली में एक बहुत बड़ा जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर महासंघ बनाएंगे। और जो दूसरे डिपार्टमेंट भी है, जैसे स्कूल है, दूसरे डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं, इन सबों को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हम करने आने वाले टाइम पे करने वाले हैं। तो अभी आप सबको लेके आ रहे हैं, अभी तो सिर्फ जो है समस्या इन्हीं की थी, तो मतलब कहीं ना कहीं आप भी अगर नहीं माने, ये अभी तो कोशिश चल रही है, हम कोर्ट में भी गए हुए हैं, कोर्ट भी तारीख दी हुई है 29 तारीख, क्या होता देखते हैं उसके बाद सुनवाई होगी। सर अभी तो बुलडोजर छाया हुआ है सब जगह, यही तो बुलडोजर का मतलब यही है कि भाई हर जगह बुलडोजर करो, वो हिंदुत्व के नाम पर जो है जो मर्जी करो बुलडोजर के नाम पर, नौकरी को भी बुलडोजर वो कर दो, कर्मचारियों को बुलडोजर से मारो, हर जगह बुलडोजर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास गवाह है कि सही रास्ते पे, न्याय के रास्ते पे चल के आंदोलन अगर करेंगे वो सक्सेस होगा और आगे बढ़ेंगे। चलिए, अभी हमने जो है संतोष जी से बात की, जो अध्यक्ष हैं AIC के, जो उन्हीं से हमने बात की, तो उन्होंने बताया किस तरीके से सरकार अपनी मनमानी करके, हिंदू मुस्लिम करके और बुलडोज़र को जो है प्रतीक बनाकर भारत का, और उसी सबको दिखा रही है जो पीछे वर्कर्स के साथ हो रहा है, जिन पे फूल बरसाए गए थे, अब वही फूल जो है ये अब वापस करेंगे। अब आगे जो कदम है वो हमने इनसे ही जाने कि क्या कुछ रहेंगे इनके कदम, तो उसी के चलते आप देखते रहिए जनहित आवाज़। नमस्कार।